यूनाइटेड फ्रंट आज हमें सड़कों के ऊपर इसलिए बाहर निकलना पड़ रहा है क्योंकि जो एलजी साहब ने 11 नवंबर को हमारे साथ वादा किया था कि डीडीसी इलेक्शन के बाद आपकी रेगुलाइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, लेकिन आज तक कोई भी डेली वेजर के लिए कुछ भी सामने नहीं आया। हमें बहुत बड़ी उम्मीद थी, बजट सेशन चल रहा है, जुगल किशोर जी द्वारा हमारी डिमांड भी रखी गई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई क्लियर पॉलिसी नहीं बताई गई है। हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, केंद्र सरकार से भी, कि बजट सेशन में डेली वेजर के लिए कोई ना कोई पॉलिसी सामने लाई जाए, नहीं तो आने वाले दिनों के अंदर आप बहुत बड़ा आंदोलन जम्मू कश्मीर की सड़कों पर देखेंगे। बड़ी शर्म की बात है, आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर जगह वर्ल्ड वाटर डे बना रही है, लेकिन जो लोग पानी लोगों के घरों तक पहुंचाते हैं, जो लोग पानी बचाने का जिम्मा जिनके हिस्से में है, वो लोग भूखे प्यासे यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। पिछले 26 सालों से मुफ्त में डिपार्टमेंटों का काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार का उस ओर ध्यान नहीं है। वर्ल्ड वाटर डे बनाने का सिर्फ पैसे खाने का एक तरीका है, कमीशनें खाते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जल जीवन मिशन चल रहा है, बहुत पैसा है जल जीवन मिशन में, लेकिन इन लोगों को देने के लिए सरकार के पास बेजिस तक नहीं है। हम सरकार को चेतावनी देते हैं, इस बजट सेशन में अगर हमारे डेली वेजरों के लिए कोई ना कोई पॉलिसी सामने नहीं लाई जाती तो आज हम सिर्फ सड़कों पर निकले हैं, आने वाले दिनों में हम परिवारों समेत सड़कों पर होंगे, हमारे बच्चे भी सड़कों पर होंगे। और एक मैं आपके चैनल के माध्यम से एक और सरकार को ये बताना चाहता हूँ, अब हम एक हस्ताक्षर अभियान शुरू करेंगे जो सीधा हम राष्ट्रपति और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दोनों को एक लेटर लिखेंगे और सामूहिक आत्महत्या करने के लिए हम सरकार से अपनी बोलेंगे, परमिशन लेंगे, क्योंकि सरकार एक एक करके हमारे डेली वेजरों को मार रही है। इससे बेहतर ये होगा हम सभी इकट्ठे सुसाइड करेंगे और सरकार से हम ये राष्ट्रपति जी से इसकी परमिशन मांगेंगे। बार 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 बार।